Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday video में हमने rational number को decimal number में किस तरह से represent किया जाता है, two methods में सीखा था, first division method and place value of principal. Okay? Place value के according हमने rational number को decimal number में represent करना सीखा था and division method के through हमने rational number को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना सीखा था. इस बेसिस पर हमने डेसिमल्स टू टाइप्स के डिस्कस किए थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. सो वी डिस्कस इट नाउ. डेसिमल्स टू टाइप्स में हमने डिस्कस किए थे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? द डेसिमल नंबर्स आर एंडिंग विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट में जो डेसिमल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? वे डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल पार्ट में एंडिंग विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रखते हैं. मींस फॉर एग्जांपल 0.12 फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. डेसिमल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर. डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मींस जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल रहती है डिजिट्स को यदि हो तो उन डेसिमल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहा जाता है. क्लियर डेट? जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.12 यहाँ पर टू डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में. डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? टू है, फाइनाइट है. ओके, सो इसीलिए ये नंबर, ये डेसिमल नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से. इसी तरह 0.25 यहाँ पर भी टू प्लेसेस है डेसिमल पार्ट में, यहाँ पर थ्री प्लेसेस है डेसिमल पार्ट में. सो जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रखता है डेसिमल पार्ट में उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर डेट? इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वे होते हैं जिनका डिवीजन नेवर कम्स टू एन एंड. मीन्स जिसका डिवीजन एंड नहीं होता है. मीन्स जीरो लगाते जाओ डिवाइड करते जाओ, जीरो लगाते जाओ डिवाइड करते जाओ, तो एंड नहीं होता है जिसका डिवीजन. नेवर कम्स टू एंड एंड अ डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटेड इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. मीन्स डिजिट इट्सेल्फ मीन्स अपने आप में डिजिट्स रिपीट होती जाती है अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट होती जाती है. हम जीरो लगाएंगे, हम डिवाइड करेंगे, सो फिर से रिमाइंडर बचेगा, फिर से जीरो लगाएंगे, फिर से डिवाइड करेंगे. सो जब डिजिट्स का रिपीटेशन होने लग जाता है डिवीजन में, सो उस तरह से जब हमें डेसिमल नंबर फाइंड होते हैं, सो उन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फॉर एग्जाम्पल 0.11111 डिश डिश लगाए मीन्स 1111 चलता ही जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है इटसेल्फ. मीन्स खुद ही वन, केवल वन ही रिपीट हो रहा है. ओके, सो इसीलिए ये डेसिमल नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से. मीन्स इसका डिवीजन लास्ट एंडिंग हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, डिवाइड करते ही जा रहा है, रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, डिवाइड करते ही जा रहा है. इस तरह से जब डिवीजन चलता जाता है और डिजिट्स की रिपीटेशन होती रहती है, सो इस तरह से जब हमें डेसिमल नंबर फाइंड होता है सो उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके, इसे स्टूडेंट हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है. अब जब भी हमें ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0.11 के ऊपर बार है, सो इसका मीन होता है कि वन का रिपीटेशन हो रहा है. वन का रिपीटेशन हो रहा है मीन्स ये डेसिमल नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. क्लियर देन? इसी तरह यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 0.272727 मीन्स 27 का रिपीटेशन हो रहा है ना. वन डिजिट का नहीं हो रहा, दोनों ही डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 27 और यही सिक्वेंस में आ रहा है 27 नहीं आ रहा है. और इनका रिपीटेशन बिगड़ भी नहीं रहा है, मीन्स कंटिन्यूसली 27 ही हमें फाइंड हो रहा है. सो इस कंडीशन में ये डेसिमल नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा. क्लियर देट? और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? 0.1
27 और 27 की पर यदि हमने बार लगाया है तो इसका मीन होता है 0.27 मीन्स 27 का रिपीटेशन हो रहा है। मीन्स ये कैसा डेसिमल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्लियर दैट स्टूडेंट? तो जब भी डेसिमल नंबर के ऊपर डेसिमल पार्ट में बार लगा हो सो इस कंडीशन में 27 का रिपीटेशन होता है। क्लियर दैट? इसी तरह से 0.8 के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 8 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, केवल 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये वाला जो डेसिमल नंबर है ये कैसा कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रिपीटेशन तो हो रहा है ना, इस 3 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 0.83 इसका रिपीटेशन हो रहा है 3 का, इसीलिए केवल 3 के ऊपर ही बार लगेगा, ना कि 8 के ऊपर। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट क्या सीखा अभी हमने? 0.83 3 के ऊपर ही क्यों बार लगाया हमने? बिकॉज 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, अगेन 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 रिपीट हो रही है डिजिट। ओके, सो 0.83 8 के ऊपर बार क्यों नहीं लगाया? बिकॉज 8 वन टाइम्स में भी ही हमें शो हो रहा है, इसी वजह से 0.83 का बार। क्लियर दैट? सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? अब हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिनके नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पार्ट में कैसे हों? फाइनाइट हो। कैसे हों? फाइनाइट हो, तो उन डेसिमल नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वे डेसिमल्स कहलाएंगे जिनके डिवीजन का एंडिंग नहीं होता है। मीन्स इटसेल्फ कोई भी डिजिट रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन, सो उस कंडीशन में जो डेसिमल हमें फाइंड होता है वो कैसा कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर दैट स्टूडेंट? सी एग्जांपल, राइट द डेसिमल फॉर्म 5/8 यूजिंग द प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल, द लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन्स जो रैशनल नंबर है इसे हमें डेसिमल में लिखना है, डेसिमल नंबर में लिखना है। कैसे लिखना है? यूजिंग, इन दोनों का यूज करके, द प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल एंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इन दोनों का यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। सो दैट इज वेरी सिंपल। सो स्टार्ट इट सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट में हम यूज कर रहे हैं द प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल, द प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल का यूज करके हम 5/8 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 5/8 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? वेरी गुड, डिनोमिनेटर्स को 10^10 में कन्वर्ट करते हैं। किसको? डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर्स कैसे होने चाहिए इसमें? 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, मीन्स 10^10 में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें डिनोमिनेटर्स कैसे फाइंड हो? 10^10 में फाइंड हो। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट इसके लिए हमें ऐसे नंबर की ज़रूरत है जिसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। बिकॉज हम केवल डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना? हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में करेंगे। अगर हम केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सो इस फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बना पाएंगे, मीन्स इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। ओके, इस वजह से वो रॉन्ग मेथड है, इसीलिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो 5/8 को हमें डिनोमिनेटर कैसे चाहिए? 10^10 में चाहिए। सो 5 का 125 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 125 को ही क्यों चुना? बिकॉज 8 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें 10^10 फाइंड नहीं होगी। 8 में यदि 125 से मल्टीप्लाई करते हैं सो यहाँ पर हमें 1000 फाइंड होता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि 125 हमें तो
नहीं पता कि 125, हम 25 का मल्टीप्लाई करके देखते, सो 25 का मल्टीप्लाई करने पर 200 फाइंड हो रहा है ना। सो हमें क्या चाहिए, 10 टू द पावर में चाहिए। सो स्टूडेंट, इस नंबर को फाइंड करने के लिए हम फैक्टर्स का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 के इक्वल है ये। सो अब देखिए, यदि इस 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करें सो 10 आएगा, इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 10 हमें फाइंड होगा, इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 फाइंड हो रहा है। सो कितनी बार फाइंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 टाइम्स में, 5 अपॉन 2 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। सो ये हमें ये नंबर फाइंड करने के लिए इतनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कि 125 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 टू द पावर में आंसर फाइंड हो रहा है ना। सो इसके लिए हमने क्या किया, शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। 8 का हमने फैक्टर्स लिखे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू होता है 8। अब वी नो दैट कि 5 से यदि 2 में मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 फाइंड हो रहा है, और फिर इस 2 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 फाइंड होगा, और इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 फाइंड होगा। मीन्स 5 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, बिकॉज 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इसीलिए देखिए, हमने मल्टीप्लाई किया 5 × 5, न्यूमरेटर में भी किया एंड डिनोमिनेटर में भी किया। ओके, न्यूमरेटर में 5 है सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, बिकॉज 5 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, ठीक है। 3 बाय 2 से थे तो हमने इस तरह से इसको अरेंज किया है, देन 5 से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये सभी प्रोडक्ट में ही है, मीन्स मल्टीप्लाई में ही है। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 25 अपॉन 10, 5 अपॉन 5 2 जा 10, 5 अपॉन 5 2 जा 10, ये 5 तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट के लिए, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में 10 फाइंड हो इस वजह से हमने 5 का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्लियर, देख समझ में आ रहा है ना, ये इतनी बड़ी प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता है कि 125 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमें इतनी बड़ी प्रोसेस करना पड़ रही है, ठीक है। यदि हमें पता होता कि जैसे कि हमने डायरेक्टली फर्स्ट में लिख दिया 125 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें यहाँ पर 10 टू द पावर में डिनोमिनेटर फाइंड हो जाएगा, बट यदि हमें अगर नहीं पता है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया है, अब सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 सो इज इक्वल टू 625 अपॉन 1000। क्लियर दैट, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू होता है 625। क्लियर दैट, अब देखिए प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने डिनोमिनेटर्स कैसे बना लिया, 10 टू द पावर में मीन्स 1000 है, सो अब इसका हमें डेसिमल नंबर फाइंड करना है, सो दैट इज़ वेरी सिंपल, 1, 2 एंड 3 डिजिट्स के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, सो 0.625 दैट इज आंसर। प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर्स कैसे होना चाहिए, 10 टू द पावर में होने चाहिए, देन उनसे हम सॉल्व करते इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर 30 है इसीलिए हमने 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है। क्लियर दैट, सो स्टूडेंट इसे 5 अपॉन 8 को अब नेक्स्ट लॉन्ग डिविजन मैथड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। सो कैसे करेंगे, लॉन्ग डिविजन मैथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमें डिविजन करना होगा, सो 8 से 5 में डिवीज़न करेंगे, ये हमारा सेकेंड वाला नंबर है, सेकेंड वाली मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। सो डिवीज़न मेथड से 8 से 5 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होता है, 0 एंड डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हम पुट करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर एक 0 लिख सकते हैं। ओके,
सो 8 का 50 में मल्टीप्लाई करना है। 8 6 48, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 4 - 4 कुछ नहीं बचा, सो 2। अब यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हम जितने रिक्वायरमेंट है उतने जीरोस पुट कर सकते हैं। क्लियर देट? सो ये बना 20, क्योंकि बिकॉज हमने 0 नीचे लिखा है, सो 20 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 = 16। ओके, सो 10 - 6 इज इक्वल टू 4 और 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें एक 0 की और रिक्वायरमेंट है, सो हम 0 लगाया हमने एंड हेयर इज 0। 8 5 = 40, सो रिमाइंडर विल बी नो रिमाइंडर, सो दैट इज आंसर। सो 5/8 इज इक्वल टू 0.625, दैट इज आंसर। क्लियर देन स्टूडेंट? वेल, इट इज वेरी सिंपल। प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें डिनोमिनेटर्स 10 to the power में कन्वर्ट करके देन इसे सॉल्व करके लिखना है, और डिवीजन की मेथड दैट इज वेरी सिंपल, डिवाइड करके हमने यहाँ पर आंसर को लिखा है। क्लियर दैट स्टूडेंट? असाइनमेंट 2.10, असाइनमेंट 2.10 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है, सो स्टूडेंट आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक यू।